अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी खैरियत से होंगे। तो आज प्रॉन्स और आलू मिक्स करके मिक्स पुलाव बनाने वाले हैं। देखो, छोटे छोटे प्रॉन्स हैं, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है ना। तो आलू स्कूल गया है, आलू अभी स्कूल गई है, इन उसकी घर में वीडियो को इसके लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है ना। व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। इधर देखे अच्छा लग रहा है ना। इधर मैं अब्बा को दूध बना के रखी थी, अब्बा और अम्मी को, पाउडर सब डाल के उनको। उसके बाद हमें खाना बनाने के लिए प्याज, टोमेटो, चिल्ली सब कट करके रखी थी और गरम मसाला भी था साथ में। और उसके बाद में वेजिटेबल्स थोड़ा ऐड करने को है प्रॉन्स के साथ साथ, अच्छा टेस्ट आता है, खाना अच्छा होता है। तो तेल गरम हुआ है, ऑयल, उसके बाद मैं उस पर खड़े गरम मसाला डाली, ऐड करी, ऐसा ना चाहिए उतना डाल। तो अल्हम्दुलिल्लाह, कड़ी पत्ता है ना वो पहले डालना, उसके बाद में प्याज, क्योंकि वो अच्छा टेस्ट भी आता है और खुशबू भी देता है। और इतना अच्छा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, कलर इतना अच्छा आया था और खाना भी बहुत टेस्टी भी बना था। झींगे भी सिल रहे थे इधर। तो मैं आपके पास बोली थी हुआ कि मैं इंशाल्लाह वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि क्या बना रही हूँ मैं, है ना। तो अभी देखो इधर अल्हम्दुलिल्लाह प्याज गलने को अच्छा आ रहा है, कलर अच्छा आ रहा है उसका। अब इसमें टमाटो ऐड करना है, चिल्ली और प्याज, ऑनियन मैं ऐड करके हुआ है। अब मैं इधर रखी हूँ आलू, पोटैटो, कैरेट और फ्रोज़न मटर। मुझे पसंद नहीं है फ्रोज़न का, लेकिन ताक गेस्ट आए थे बोल के ला के रखे थे, वो डीप फ्रिज में रखे थे, तो इसका हालत देखी ऐसा हुआ है। और ये प्रॉन्स, अभी मुझे टोमेटो उसमें ऐड करना है, अभी मैं ऐड करूँगी। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है ना, तो लाइक ज़रूर करें। और किस किस को मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप डेली व्लॉग देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर 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 बताना। और एक बात आपसे, एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी कि लोग बहुत सी बातें करते हैं, आप अच्छे हुए तो नहीं देख सकते, आप कुछ अचीवमेंट करने की कोशिश करें वो भी नहीं देख सकते, तो आप उनको साइड में रखें, क्योंकि खाना वो नहीं डालते आपको, है ना। आप मेहनत करने पर आपको खाना मिलेगा, तो आप उनको सभी साइड में रखकर जो आपको क्या पसंद है आप कीजिए, ओके, आपके दिल की सुनिए। और एक बात कहना था आपसे कि आजकल इंस्टा में, फेसबुक में और यूट्यूब में मैंने नहीं देखा है, लेकिन फेसबुक में, इंस्टा में बहुत वीडियोस ऐसे आते हैं कि वो दिल को छू जाती है, एक वीडियो है ना, हम उसका कॉपी करने के लिए देखते हैं, लेकिन कॉपी सही तरह से हो नहीं पाती, तभी हम मायूस हो जाते हैं। हमारे से नहीं होगा, लेकिन होगा इंशाल्लाह, ज़रूर होगा, एक बार, दो बार, तीन बार। वो एक पहले स्कूल में एक पोएम था क्या, ट्राई अगेन, तो हमें ट्राई करते रहना चाहिए, इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा होगा। तो अभी मैं इसमें टोमेटो ऐड करूँगी। उससे पहले और एक बात, जो भी हैं आप जहाँ से भी बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो अपने माँ बाप के लिए, अपने घर के लिए कुछ अच्छा कर रहे रहेंगे, है ना। तो और एक बात, जो गर्ल्स, इम्पोर्टेंट गर्ल्स के लिए, कॉलेज जाते हैं, इतना अच्छे से पाल पोस के बड़ा करके अपने, आपके अम्मी अब्बा आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं, आप क्या करते हैं, पढ़ने का सब छोड़ के एंजॉयमेंट, है ना। सब लड़कियों के लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लड़कियों के लिए, टीनेज में मस्ती मजाक सभी होता है, लेकिन वो एक दायरा रहता है, एक हद रहता है, उसको पार करने नहीं चाहिए, है ना। तो प्लीज़ अपने कुछ भी करने से पहले अपने माँ बाप का एक बार, माँ बाप की
थिंक करें, तभी इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा कि, लेकिन वो बातें आपको अभी नहीं समझ आएंगी, थोड़े देर मतलब वो हादसे वो इंसिडेंट होने के बाद आपको समझ में आएंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अपने माँ बाप का ख्याल करें, वो कितने मेहनत से आपको कॉलेज भेज रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, तो उनके बारे में ज़रूर सोचेगा। ओके प्लीज़। तो मैंने अभी इधर टोमेटो ऐड कर ली हूँ, टोमेटो ऐड कर ली, और मैं रील्स कुछ भी बनाए नहीं क्योंकि वो इसके पीछे पड़ने के बाद रील्स सब बनाने के लिए होता नहीं। एक यूट्यूबर ब्लॉगर को पता चलता है कि उसकी मेहनत क्या है, वो ब्लॉगर को या यूट्यूबर को, उनको ही पता चलता है। वो भी कोई हेल्प करने वाले है तो ओके, अकेले करना है तो बहुत 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 मुश्किल होता है। उसमें भी लोगों के बातें मैं सुनती नहीं, मैं अवॉइड करती हूँ उनको। ओके अभी मैं टमेटो ये सब, अभी टमेटो अच्छा फ्राई होने के बाद वो सब ऐड करूँगी इंशाल्लाह। और फेसबुक में मेरा 17K हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब की दुआ है, आप सब की सपोर्ट है। और एक बात, कुछ लोग वीडियो में पहले तो अच्छे हिजाब में रहते हैं, अच्छे रहते हैं, बाद में फेमस होने के बाद उनको क्या होता है मुझे पता नहीं, हिजाब सब छोड़ देते हैं। क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। लेकिन एक अरशद रील्स है ना, अरशद भाई, वो रील्स नू है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब में थे कभी, बहुत पहले से, अभी इतने फेमस है, इतने फेमस है, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो हिजाब में, देखने के लिए इतना खुशी होता है ना अल्हम्दुलिल्लाह। कितने कितने एक्टर्स अभी इस्लाम कबूल करे अल्हम्दुलिल्लाह, उनको तक अहमियत पता चला। लेकिन जो हैं वो क्या कर रहे हैं आजकल, हमारा दीन कैसा है वो सब छोड़ के, आपको पता ही होगा। इधर अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा लग रहा है ना, टेस्टी टेस्टी लग रहा है, अब पता चलेगा उसको सब रेडी होके आने के बाद। माशाल्लाह, आप भी ज़रूर कहना माशाल्लाह। ओके मेरे अब्बा बुला रहे हैं इधर, मैं दो साल के इधर वीडियो निकल रही हूँ, नहीं तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है बोल के। ओके इधर अब्बा बुला रहे हैं, मैं जाके आके क्या बोल के पूछ के फिर कर। तो अब मैं डाल रही हूँ प्राउन्स, वीडियो को एक लाइक तो बनता है ना, और उसको मैं ऐड करती हूँ अभी घर में बनाया हुआ जिंजर पेस्ट। हमारे फ्रिज का थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए है ना, हम उसको डीप फ्रिज में रखते हैं। डीप फ्रिज में रखने से क्या होता है, बहुत आइस आइस बन जाता है, उधर ही बर्फ बर्फ बन जाता है। तो उसको थोड़ा क्या डालेंगे, सैल्ट, नमक, क्यों लगना है ना प्रॉन्स को नमक, तो थोड़ा डालेंगे नमक। वो अच्छा फ्रेश होने के बाद, मतलब अच्छा पकने के बाद प्रॉन्स, उसके बाद में डालेंगे आलू और कैरोट और फ्रोज़न में रखा हुआ फ्रोज़न मटर। आप में किस किस को पसंद है झींगा बिरयानी, कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप सब कहां कहां से वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट में बताना, और कितना मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है ना, एक लाइक तो बनता है, तो लाइक ज़रूर करें। आप वीडियोस तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा लग रहा है इधर देखो, है ना, एकदम मस्त लग रहा है ना। अब डालेंगे इसमें, ऐड करेंगे आलू,
आलू के बाद में डालेंगे गाजर, गाजर के बाद में डालेंगे फ्रोजन वाला मटर, और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है कि आज का डिश। ओके, अब इंशाल्लाह पूरा प्रिपेयर होने के बाद और एक लुक आपको ज़रूर बताऊंगी प्रॉन्स बिरयानी का। इधर देखा लग रहा कितना अच्छा लग रहा है, कलर्स कलर है ना। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे लुक उसका कैसा है। तो आप सब कमेंट में बताना कि किसको वेज बिरयानी पसंद है, किसको नॉन वेज पसंद है। ओके, ऐसे लॉग में बने रहें और नेक्स्ट स्टेप हम अब फाइनली मैं अभी पानी से ऐड करी हूँ। अभी अच्छा भाप आने पर उसको मैं चावल डालूँगी। चावल इधर मैं धो के सब रखी हूँ। फाइनल लुक आपको इंशाल्लाह दिखाने की कोशिश करूँगी, तो पक्का नहीं बोल सकती मैं इसलिए कि तभी क्या होता है बच्चे मेरा आ जाते हैं तो मुझे लॉग निकालने का प्रॉब्लम होगा, तो मुझे पता नहीं। ओके, और एक बात, सभी एडवाइस बहुत देते हैं है ना, एडवाइस की कमी नहीं है, बहुत एडवाइस देते हैं, कहते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, समझाते हैं लेकिन खुद हमें समझते नहीं, वो बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप भी टेंशन मत लिया करो, जो बोलते हैं बोलते हैं, मैंने कहा था ना एक वीडियो में शायद बना था, जो बोकते हैं बोकने दो, क्योंकि बोकते हैं ना वो काटते नहीं है कभी, तो टेंशन नहीं लगेगा। ज़िंदगी बहुत आसान है, अगर कुछ भी टेंशन है तो उसको हंस हंस के हल निकालना, डिप्रेशन में जाने का, सुसाइड का अटेम्प्ट करने का, ऐसे सभी थिंकिंग आने मत देना। ओके, और इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है इसके लिए है ना, प्लीज़ जल्दी से लाइक करो, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, 6K होने को है, जल्दी से 10K कर दें, प्लीज़ सपोर्ट करें। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने के, लेकिन होता नहीं, क्यों मैं किधर भी जाती नहीं, जाने गए तो इधर ही, और दूर तो किधर जाती नहीं। और किसी ने कमेंट किया था आप चल के जाते हो, हाँ मेरे पास गाड़ी नहीं, इंशाल्लाह लूँगी, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर लूँगी गाड़ी। ओके, और देखेंगे फिर फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली बिरयानी पक चुका है, प्रॉन्स और वेजिटेबल्स सब डाल के बनाए थे, मिक्स पुलाव टाइप वो हुआ है। मैं अभी अलीना को बुलाने के लिए जा रही हूँ, बारिश नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं छाता भी लेके आई नहीं, अम्ब्रेला लेके आई नहीं, अल्लाह करे कि बारिश अभी ना आए, मैं घर को जाने के बाद आए। अभी टेस्ट किया नहीं है, इंशाल्लाह अभी घर को जाके टेस्ट करना है कि कैसा होना है। अभी बुक लेके गई है आज, क्या लेके है मुझे पता नहीं, अभी देखना है। इधर मुझे वीडियोस तक निकालने के लिए इधर मैं जा रही हूँ, अच्छा है ना सभी। तो आपने देखा आज कि बिरयानी कैसे बनाए है ना, तो इंशाल्लाह अब फिर अगले व्लॉग में मिलते हैं। ये बहुत सता भी रहा है मुझे, इधर देखो नींद भी आ रहा है उसको। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने अब्बू अम्मी का ख्याल रखना, उनका रिस्पेक्ट करना। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।